वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, तो उसकी तैयारी दोस्तों आप जोर तोर से कर दीजिए। तो जान लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मैंने लिया है रीजनिंग से क्वेश्चन। तो जैसे कि मुद्रा है, मुद्रा का संबंध किससे है? टकसाल से। जैसे कि जिस प्रकार मुद्रा टकसाल में बनाई जाती है, वैसे ही ईंट का निर्माण कहाँ होगा? ठीक है, तो मुद्रा घूमई टकसाले बनती है, ठीक है, टकसाले बनती है मुद्रा, तो ईंट कहाँ बनेगी? तो ईंट बनेगी हमारी भट्टी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? भट्टी। ये हमारी एनालॉजी के क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? भट्टी होगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लंबाई। लंबाई के संबंध क्या है? मीटर से है। जिस प्रकार हम लंबाई का मात्रक मीटर होता है दोस्तों, उसी प्रकार विद्युत शक्ति का मात्रक हमारा क्या है? वो हमारा वाट होता है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का क्या है संबंध? वाट से है, ठीक है। दोस्तों ये हम लोग CGL लेवल की हैं ये क्वेश्चन, और आपको ग्रुप डी में बिल्कुल आ सकती हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के नीचे लिखा है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें अच्छा लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर औषधि रोगी। औषधि का संबंध रोगी से है, मतलब कि जिस प्रकार औषधि रोगी के लिए होती है, उसी प्रकार शिक्षा किसके लिए होती है? छात्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? छात्र। तो आपको संबंध निकालना है इसको समझ के अपने दिमाग से, ठीक है, जल्दी आपको इसको कैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जर्मनी मार्क। जर्मनी की मुद्रा क्या है? मार्क है। तो मोरक्को की मुद्रा क्या होगी? इसका हमें संबंध निकालना है, ठीक है। तो मोरक्को की मुद्रा हमारी क्या है? वो हमारी दिरहम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? दिरहम आ जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोतियाबिंद का संबंध आँख से। जिस प्रकार मोतियाबिंद आँख की बीमारी है, उसी प्रकार निमोनिया किसकी बीमारी है? आपको पता होगा, आप साइंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा, ठीक है। निमोनिया हमारी किसकी बीमारी है? वो हमारी है फेफड़े की बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आँख का संबंध निकट दृष्टि से है। देखिए दोस्तों, आँख में दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, और हमारा क्या होता है, ये बहुत से रोग होते हैं आँख में, ट्रोकोमा होता है, वायरस, और हमारी बहुत सी चीज़ें होती है रोग में। तो आँख का संबंध निकट दृष्टि दोष से है, तो दांत का संबंध किससे होगा, ठीक है। ये आपको एनालॉजी लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन है। रेलवे से तो हाई लेवल के ही हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? दांत का होगा हमारा। हमें क्या होता है? दांतों में पारिया रोग होता है, ठीक है। तो इसका संबंध पारिया से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मामीटर तापमान। अगर हम लोग थर्मामीटर को कैसे नापते हैं? तापमान को थर्मामीटर से नापते हैं, ठीक है। तो ऑपिसियोमीटर से क्या नापते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लगाइएगा अपने दिमाग से, क्या नापते हैं ऑपिसियोमीटर से? द्रव्य, या फिर रेखाएं, या फिर औसत, या फिर ऊंचाई। तो क्या नापते हैं हमें पता होगा आपको, वो हम नापते हैं रेखाएं, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेक्सटेंस से नापते हैं हम लोग ऊंचाई, और द्रव्य तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर विषाणु चेचक। विषाणु चेचक से क्या होता है? सॉरी, विषाणु से क्या होता है? चेचक होता है। जीवाणु से क्या होता है? हैजा और टाइफाइड। तो ऑप्शन टाइफाइड दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर टाइफाइड आ जाएगा। अगर हैजा होता तो हैजा होता। बहुत से भी इससे रोग होते हैं, तो आपको याद रखना है जो भी आपको याद हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आम फल। आम एक फल है, पता होगा आपको। तो आलू क्या है? आलू एक तना है, ये भी बात सही है। तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 56 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्सी फर्नीचर। कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो फोर्क किसके अंतर्गत आएगा? फोर्क। फोर्क का क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर पता होगा आपको, ठीक है, इसके बारे में, फोर्क के बारे में। दोस्तों जिस प्रकार फर्नीचर के अंतर्गत कुर्सी, मेज, स्टूल आते हैं, उसी प्रकार कैटलरी के अंतर्गत फोर्क, चाकू और चम्मच आते हैं, ठीक है। ये बर्तन से संबंधित होगा, तो बर्तन से संबंधित होगा तो हमारा क्या आएगा इसमें? 57 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, कटलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक पुस्तकालय। पुस्तकों को कहाँ रखा जाता है? पुस्तकालय में रखा जाता है। तो फाइलों को कहाँ रखा जाता है? सॉरी, पुस्तकों को पुस्तकालय में रखा जाता है, ठीक है। तो किस चीज़ों को फाइल में रखा जाता है? आपको पता होगा, हम लोग रखते हैं फोल्डर को, ठीक है। किसको रखते हैं? सॉरी, डाटा को रखते हैं। डाटा को रखते हैं हम लोग फाइल में, ठीक है। कंप्यूटर में फाइल होती है, उसमें डाटा को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, वो डाटा होगा, ठीक है।
अंडा उनका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर राज्यपाल राज, राज्यपाल राज को देखता है, राष्ट्रपति किसको देखता है, देश को, ठीक है। ये तो बहुत सरल है, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देश, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। लोकसभा को माने लोकसभा को क्या बोलते हैं, कई लॉजिक लग सकती हैं, हम देखते हैं कौन सा लॉजिक सही रहेगा यहाँ पर। जिस प्रकार लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, ये लगाइएगा हम लोग, ठीक है। जिस प्रकार लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, उसी प्रकार राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हृदय, हृदय रोग विज्ञानी, हृदय, हृदय रोग विज्ञानी, तो मस्तिष्क क्या होगा बताना है हमें। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, जिस प्रकार हृदय के रोगों का देखभाल हृदय रोग विज्ञानी करता है, उसी प्रकार मस्तिष्क के रोगों का देखभाल मस्तिष्क तंत्रिका रोग विज्ञानी करता है, ठीक है। सॉरी, तंत्रिका विज्ञानी करता है यहाँ पर, आंसर हमारा तंत्रिका विज्ञानी आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2015 में पूछा क्वेश्चन था ये SSC टेन प्लस टू में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपास जहाज, कंपास का संबंध जहाज से है, तो वास्तु का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा है लॉजिक, लगाइएगा अपने दिमाग से। इसमें एक लग रहा है, जिस प्रकार जहाज पर दिशा संबंधी जानकारी के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार भूमि पर किसी निर्माण कार्य के लिए वास्तु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो भूमि यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय के दोस्तों, हृदय मतलब हृदय संबंधी रोगों का देखभाल कौन कौन करता है, कार्डियोलॉजिस्ट करता है। इसी प्रकार ब्रेक संबंधी जो किडनी होती है दोस्तों, उसके संबंध का देखभाल कौन करेगा, ये बताना है आपको। तो इसमें करेगा हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट। देखो दोस्तों, आपको पता होगा आपको ब्रेक की हमारी इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, पता होगा आपको। तो नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, ये याद होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोलियो वायरस, जिस प्रकार पोलियो वायरस से होता है, इसी प्रकार एंथ्रेक्स किससे होता है, एंथ्रेक्स रोग किससे होता है, ठीक है। तो बताना है हमें, तो एंथ्रेक्स रोग समागत होता है हमारा वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेल स्तनपाई, जिस प्रकार व्हेल स्तनपाई है, उसी प्रकार कछुआ क्या है हमारा, सरीसृप है या उभयचर है या मोलस्का या फिर मछली है। तो हमारा जो कछुआ है दोस्तों, ये हमारा उभयचर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर उभयचर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मनुष्य स्तनपाई, मनुष्य स्तनपाई है तो सर्प क्या है, आपको पता होगा मनुष्य स्तनपाई है, सर्प सरीसृप में आता है, ठीक है। तो ये तो ईजी है, तो 66 का आंसर हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा बी। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब, बिल्कुल दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो यहाँ पर डालता रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।